नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं फाइबर बाय इंडिया टुडे और ये वाला है बैटरी रेंज कंपैरिजन बिटवीन द रियलमी GT 60 एंड द वन प्लस 12 आर। मेरे हिसाब से यार ये वाला काफी क्लोज होने वाला है। जो मेन डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है इन दोनों फोन्स के बीच का प्राइस। तो अभी आपकी स्क्रीन पे प्राइसेस और वेरिएंट्स मैं दोनों फोन्स के डाल रहा हूँ और ये वाले प्राइसेस ऑनगोइंग डिस्काउंट्स और ऑफर्स के साथ है। और क्लियरली इसमें कोई भी डाउट नहीं कि भाई GT 60 बेटर डील है दोनों फोन्स में। आप खुद ही डिफरेंस देख लो दोनों फोन्स के प्राइसिंग में। और प्राइसिंग के अलावा भी भाई मेरे हिसाब से ओवरऑल अगर बेटर पिक मुझे इन दोनों के बीच में चूज करना पड़े वो है रियलमी GT 60। और इस वीडियो के एंड तक आपको बहुत सारे जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। सबसे पहले दोनों ही स्मार्टफोन्स की हाइलाइट्स पे नजर मार लो साइड बाय साइड। और मेटल फ्रेम या फिर मैं बोलूं 2 मेगापिक्सल का जो मैक्रो कैमरा है रियर पे, या फिर मैं बोलूं 16 GB रैम ऑप्शन जो आपको 12 बार में मिलता है, इनके अलावा दोनों फोन्स को अगर मिलाओ तो भाई सिमिलरली स्पेक्ड है। इनफैक्ट कम पैसे में रियलमी GT 60 में आपको बेटर पीक ब्राइटनेस मिल रही है, स्लाइटली बेटर IP रेटिंग मिल रही है, फिर जो स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 चिपसेट है जो GT 60 में मौजूद है वो बेंचमार्क नंबर्स के हिसाब से तो भाई 8 Gen 2 के मुकाबले में नहीं मैच कर सकता, पर फिर भी रियल वर्ल्ड में 8 Gen 2 के डेफिनेटली टो टू टू जा सकता है। एंड रियलमी GT 60 में आपको फास्टर 120W वायर्ड चार्जिंग भी मिल रही है। तो परफॉर्मेंस और एंड्योरेंस अगर आपके लिए दो सबसे बड़े की सेलिंग पॉइंट्स है तो इन दोनों फोन्स के बीच में से आपको कौन सा खरीदना चाहिए? क्या आपको रियलमी GT 60 लेना चाहिए या फिर आपको OnePlus 12R खरीदना चाहिए? चलिए पता लगाते हैं इस वीडियो में। पर ऑफ कोर्स आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो डेफिनेटली कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोनों ही फोन्स को कर लेते हैं ऑन और दोनों ही फोन्स नेक टू नेक बूट होते हैं। अब दोनों फोन में मैंने लाइट मोड इनेबल कर दिया है, दोनों ही सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है, ब्राइटनेस और ऑडियो का लेवल 50% पे सेट है, विविड कलर प्रोफाइल ऑन कर दिया है, सारे इमेज और वीडियो एनहांसमेंट सेटिंग्स को इनेबल कर दिया है, 120Hz मोड को इनेबल कर दिया है, ऑफ कोर्स दोनों फोन्स की बैटरीज 100% चार्ज करके हटा दी गई हैं। ओके, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है दोनों फोन्स में सेम डिस्प्लेज हैं, कंसीडरिंग OnePlus और Realme की पेरेंट कंपनी सेम है। ऑफ कोर्स कुछ माइनर डिफरेंसेस हैं ट्यूनिंग के मामले में, पर ओवरऑल दोनों की डिस्प्लेज टॉप नॉच है, कोई डाउट नहीं इसमें। पर अगर कलर्स की बात करूँ, कॉन्ट्रास्ट की बात करूँ या ब्राइटनेस की बात करूँ, भाई ये जो AMOLED डिस्प्लेज आपको मिल रही है ना, ये 2 of the best है जो आपको किसी भी फोन में आज की डेट में मिलेंगी अंडर 40,000 rupees। अब Realme की बात करूँ तो यहाँ पर आपको बेटर पीक ब्राइटनेस मिल रही है 6000 nits की वर्सेज OnePlus 12R का 4500 nits की ब्राइटनेस। एंड ऑनेस्टली ऐसा कोई कॉन्टेंट वैसे तो है नहीं अवेलेबल जिससे कि आप ये नंबर्स को टेस्ट कर पाओ। हालांकि एक चीज मैं श्योर कर सकता हूँ कि अंडर जो हार्श सनलाइट होती है वहां पर आपको दोनों फोन्स को लेके कोई भी लेजिबिलिटी इश्यूज नहीं आएंगे क्योंकि ब्राइटनेस वाइज दोनों फोन्स सॉर्टेड हैं। पर इसके अलावा अगर मुझे एक डिस्प्ले चूज करनी पड़े तो मैं रियलमी GT 60 के साथ जाऊंगा। आई थिंक ट्यूनिंग के हिसाब से एवर सो स्लाइटली कलर आउटपुट थोड़ा नेचुरल लगता है, थोड़ा बेटर लगता है रियलमी GT 60 के डिस्प्ले पे, पर ओवरऑल 12R की भी डिस्प्ले काफी अच्छी है। एंड अगर आप दोनों में से किसी एक के साथ भी जाते हो तो आपका डिसीजन गलत नहीं होगा। तो अभी YouTube वीडियो प्लेबैक राउंड खत्म हो चुका है, टोटल 2 घंटे निकल चुके हैं और काफी सॉलिड एफिशिएंसी दिखाई दोनों स्मार्टफोन्स ने। अभी Realme GT 60 लीड में है, 97% बैटरी यहाँ पर बची है, वहीं OnePlus 12R एकदम पीछे है 96% बैटरी के साथ। इसी के साथ अब टाइम है 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग राउंड का और जब तक ये दोनों फोन्स वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं मैं आपको खुद दोनों ही फोन्स के कैमरा स्पेसिफिकेशंस दिखा देता हूँ। तो Realme GT 60 में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, मेन कैमरा है 50 MP का सोनी LYT 600 सेंसर, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा साथ में और 32 MP का कैमरा है फ्रंट पे सेल्फीज के लिए। वीडियो रिकॉर्डिंग के विभाग में रियर कैमरा से 4K 60fps तक आप रिकॉर्ड कर सकते हो, वहीं फ्रंट से 4K 30fps रिकॉर्डिंग तक का सपोर्ट है। बात करूं OnePlus 12R की तो यहाँ पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, मेन कैमरा है 50 MP का सोनी IMX890 सेंसर, साथ ही 8 MP का अल्ट्रावाइड कैमरा है, 2 MP का मैक्रो कैमरा है और फ्रंट पे 16 MP का सेल्फी शूटर दिया गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग के विभाग में रियर कैमरा आपको 4K 60fps तक का सपोर्ट देता है रिकॉर्डिंग में, वहीं फ्रंट से आप केवल 1080p 30fps तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अभी आपकी स्क्रीन पे कुछ कंपैरिजन फोटोज है जो मैंने Realme GT 60 और OnePlus 12R से खींची थी। मुझे बताओ कमेंट्स में आपको क्या लगता है कि भाई कौन से फोन ने बेटर फोटोज ली। ऑफकोर्स एक डिटेल्ड ओवरव्यू अगर कैमरा का चाहते हो तो दोनों ही फोन्स के इंडिविजुअल रिव्यूज फाइबर पे लाइव है और ऑफकोर्स मैं वीडियो के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
इसी के साथ 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग राउंड खत्म होता है। टोटल 3 घंटे बीत चुके हैं और अब थोड़ा पासा पलट चुका है। OnePlus 12R लीड में आ गया है और अभी इसमें बचती है 81% बैटरी, पर Realme GT60 ठीक पीछे है 80% बैटरी के साथ। तो चलिए अब टाइम है कुछ बेंचमार्क्स रन करने का, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि अगर दोनों फोन्स पे लोड डाला जाता है इन द रियल वर्ल्ड तो कौन से वाले में से आपको बेटर एंड्योरेंस मिलेगा। सबसे पहले स्पेक्स, तो Realme GT60 में Snapdragon 7+ Gen 3 SoC है, नया प्रोसेसर है ये, साथ ही आपको 12GB LPDDR5X RAM मिल रहा है, वहीं अप टू 512GB UFS 4.0 स्टैंडर्ड स्टोरेज मिलता है। वहीं OnePlus 12R की अगर बात करो तो इसमें आपको Snapdragon 8 Gen 2 चिपसेट मिलती है, साथ में अप टू 16GB LPDDR5X RAM है, वहीं 256GB तक की स्टोरेज है जो कि ओल्डर UFS 3.1 स्टैंडर्ड स्टोरेज दी गई है। तो सबसे पहले Geekbench 6 पे नजर मारते हैं और दोनों ही सिंगल कोर और मल्टी कोर परफॉर्मेंस में दोनों फोन्स ने एक सॉलिड नंबर दिखाए। ऑफ कोर्स OnePlus 12R यहां पर लीड में है। वहीं Antutu की मैं बात करूं तो स्कोर्स फिर से काफी क्लोज रहे, पर इससे ये पता लग जाता है कि भाई 7+ Gen 3 में वो सारा रॉ पावर है जिससे कि वो एकदम टो टू टो जा सकता है अगेंस्ट द 8 Gen 2 चिप। हालांकि जैसे हमने पुराने बैटरी टेस्ट में भी देखा कि 3D Mark एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट में Realme GT60 की परफॉर्मेंस उतनी कुछ खास नहीं रही। मतलब ऐसा नहीं कि भाई रियल वर्ल्ड में ये फोन गेमिंग को लेके स्ट्रगल करता है, पर अगर इन स्कोर्स की मानो तो डेफिनेटली 12R का परफॉर्मेंस बेटर है। फाइनली CPU थ्रॉटल टेस्ट की बात करते हैं तो पिछले 3 बेंचमार्क में सारे टॉर्चर के बाद Realme GT60 ने फिर भी काफी बेहतरीन 89% स्टेबिलिटी का स्कोर किया। वहीं 12R का स्कोर मैं बोलूंगा एक अबव एवरेज 70% स्टेबिलिटी रहा। तो अभी आपकी स्क्रीन पे दोनों ही फोन्स के बेंचमार्क स्कोर्स दिए गए हैं, आप पॉज करके एक नजर मार सकते हैं। तो अभी टोटल में 4 घंटे बीत चुके हैं और फिर से फेरबदल हो चुका है। Realme GT60 ने लीड ले ली है, 54% बैटरी यहां पर बचती है और OnePlus 12R एकदम पीछे है, ठीक पीछे है 53% बैटरी के साथ। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं गेमिंग के बारे में, और इसमें कोई डाउट नहीं कि भाई दोनों फोन्स में आपको टॉप नॉच परफॉर्मेंस मिलती है। इनफैक्ट कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल या फिर BGMI या फिर एस्पार्ट 9 लेजेंड जैसी गेम सारी की सारी अपनी पीक परफॉर्मेंस पे चलती हैं 60fps में दोनों ही फोन्स में। हालांकि एक पॉइंट के बाद जब दोनों फोन्स गर्म होना स्टार्ट करते हैं, एंड ट्रस्ट मी दोनों फोन्स गर्म होते हैं, ये जो OnePlus 12R है ना यार, इसमें मैंने नोटिस किया कि भाई परफॉर्मेंस थ्रॉटल मारती है। मतलब वो जो ओकेजनल स्टार्टर्स और फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं ना, वो काफी अपेरेंट हो जाते हैं स्मार्टफोन पे। मोरओवर OnePlus 12R में जो मेटल फ्रेम है उसकी वजह से ना मुझे ये फोन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा होल्ड करने में जब ये गर्म होता है, और ऐसा GT60 के साथ एकदम भी नहीं है। क्योंकि एक अच्छी बात बता दूं आपको Realme GT60 के बारे में, थर्मल मैनेजमेंट GT60 का काफी अच्छा है। मतलब ये फोन गर्म होता है पर ये ठंडा भी काफी जल्दी हो जाता है, और ये जब गर्म भी होता है तो इसका जो प्लास्टिक फ्रेम है ना, इसकी वजह से मुझे कभी भी इस फोन को पकड़ने में अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग नहीं आई। दूसरी बात यह है कि इवन अंडर हैवी लोड्स GT60 में परफॉर्मेंस कभी भी थ्रॉटल नहीं करी गेमिंग करते वक्त। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि दोनों ही फोन यहाँ पर कोई भी गेम को हैंडल कर पाएंगे, पर ओवर प्रोलॉन्ग गेमिंग सेशन, मतलब जो लंबे गेमिंग सेशन होते हैं, उस केस में आपको GT60 की परफॉर्मेंस डेफिनेटली बेटर मिलने वाली है कंपेयर टू द OnePlus 12R। तो इसी के साथ गेमिंग राउंड भी खत्म होता है और टोटल में 5 घंटे बीत चुके हैं और अभी दोनों फोन्स के बीच में टाई ब्रेकर हो गया है, दोनों ही फोन्स में 43% बैटरी बची है। तो चलिए नेक्स्ट राउंड की तरफ चलते हैं। तो इसी के साथ हम लास्ट राउंड में है अपने बैटरी ड्रेन टेस्ट कंपैरिजन में, और अब मैं 1 घंटे तक इंस्टाग्राम रन करूंगा दोनों स्मार्टफोन्स में, पर आपको बिना वेट कराए लास्ट मिनट तक अभी मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ 6 घंटे के मार्क पर, और उसी के साथ Realme GT60 फिनिश करता है एक एक्सेलेंट स्कोर के साथ, 37% बैटरी यहाँ पर बचती है, वहीं OnePlus 12R फिनिश करता है 36% बैटरी के साथ। तो अभी आपकी स्क्रीन पे घंटे बाय घंटे का ब्रेकडाउन है दोनों ही स्मार्टफोन्स का बैटरी ड्रेन का। तो जैसे ही आप स्टैट्स को देख सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं कि भाई रिजल्ट दोनों ही फोन्स की तरफ जा सकता था, कोई भी फोन जीत सकता था, और इसमें भी कोई डाउट नहीं कि भाई दोनों ही फोन्स में हाई कैपेसिटी बैटरीज हैं और एफिशिएंसी भी काफ़ी तगड़ी है, जिससे कि आपको भाई एकदम शानदार इंड्योरेंस मिलती है, और मतलब इससे बेहतर इंड्योरेंस अपर मिड रेंज फोन में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। पर इन दोनों में से एकदम टॉप नॉच चॉइस कौन सी है, वो है मेन क्वेश्चन। और मेरे हिसाब से अगर इंड्योरेंस और परफॉर्मेंस की बात करूँ तो दोनों ही फोन काफ़ी कंपेरेबल है, पर जब प्राइस की बात आ जाती है ना यार बीच में, वहां पर Realme GT60 बाजी ले जाता है। मतलब हाँ, OnePlus 12R में आपको 16GB RAM मिलती है, पर 12GB RAM जो आपको GT60 में है वो भी काफी ज्यादा है।
उसके बाद OnePlus 12R में आपको मेटल फ्रेम मिल रहा है, ग्लास बैक मिल रहा है, जो कि काफ़ी प्रीमियम है। पर अगर आप ओवरऑल देखो प्राइस को फिर से अगर ध्यान में रखो, और जब दोनों फोन्स गर्म होते हैं तो भाई प्रैक्टिकली भी Realme थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि उसका फ्रेम प्लास्टिक का है, और वहीं OnePlus 12R मुझे काफ़ी अनकंफर्टेबल लगा उसके मेटल फ्रेम की वजह से। फिर बात आती है OnePlus 12R के 2 मेगापिक्सल वाले मैक्रो कैमरा की, जो कि Realme में नहीं है। पर क्या उससे सही में फ़र्क पड़ता है? मेरे हिसाब से तो नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब डिस्काउंट्स की बात आती है, तो जो बेस वेरिएंट Realme GT60 का है वो अभी 11,000 रुपये कम में मिल रहा है 12R के मुकाबले। वहीं टॉप एंड वेरिएंट है जो GT60 का, वो अभी 8,000 रुपये कम में मिल रहा है, अगेन 12R के टॉप वेरिएंट के मुकाबले। साथ ही साथ Realme आपको डबल स्टोरेज मिलती है 512 GB की, वहीं वो स्टोरेज भी फास्टर UFS 4.0 वाली है। तो जो अपर मिड रेंज प्राइस सेगमेंट है ना स्मार्टफोन्स का इंडिया में, अभी उसमें डेफिनेटली कोई डाउट नहीं कि भाई जो डोमिनेट कर रहे हैं ना फोन्स, वो है Realme GT60 या फिर OnePlus 12R या फिर इवन Poco F6। पर जब बात आती है प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो की, तो भाई मेरे हिसाब से अगर इन तीनों फोन्स के बीच में बात करी जाए तो Realme GT60 डेफिनेटली एक बेटर चॉइस है, एक प्रैक्टिकल चॉइस है। बाकी आप लोगों का क्या ख्याल है इस वाले बैटरी ड्रेन टेस्ट वीडियो कंपैरिजन का, मुझे बताएं कमेंट्स में, और मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी अगली वाली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।